हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हमारी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें हमने छठी प्रश्नावली कर ली थी, जो कि साइन 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के मानों पर आधारित थी। आज हम प्रश्नावली 7 का अध्ययन करेंगे और 7वीं प्रश्नावली में सर्व समीकाओं का उपयोग किया जाएगा। सारी सर्व समीकाएँ मैंने लिख दी है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है 1 + tan² θ बराबर sec² θ, और तीसरी सर्व समीका है 1 + cot² बराबर cosec² θ। आपस के दो संबंध लिखे मैंने, साइन थीटा का संबंध है cosec θ थे से, साइन थीटा बराबर 1/cosec θ और cosec θ बराबर 1/sin θ। बाकी मेरे पास जगह नहीं थी, मैं लिखता जाऊँगा और आगे सवालों में जहाँ जहाँ उपयोग होगा उनका हम उपयोग कर लेंगे। कोण थीटा के लिए पहला सवाल था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec θ के रूप में लिखना है। ये सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दो सवाल है, पहला और दूसरा। यानी कोण थीटा हो तो उसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का अर्थ है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec θ के रूप में लिखना है। अर्थात याद रखिए, को इस तरफ यदि कोई आए के रूप में ये याद रख लेना, इस हाथ वाले को इस हाथ वाले के रूप में, लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड के रूप में। जैसे मैं यहाँ बोलूँ तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कोशक थीटा के रूप में है और सेक थीटा साइन थीटा के रूप में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/cot θ। ये होता ही आपसी संबंध होते हैं, थोड़ा वो लिख गया। और यदि टेन थीटा को यदि मैं लिख दूं साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा इसको इसके रूप में, इसको इसके रूप में, इसको किसको, टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखेंगे। इसको क्या पढ़ूँगा, टेन थीटा को साइन और कोस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है इसको इसके रूप में, इसके रूप में, समझ आगे क्या। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ लिख दूँ कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, आपसे संबंध थे हमारे कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो मैं क्या पढ़ूंगा या क्या पूछूंगा, मौखिक यदि पूछूंगा तो ये पूछूंगा कि कोट थीटा को साइन और कोस के रूप में कैसे लिखते हैं। तो आपका उत्तर होगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। मैं आपसे पूछूँ टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में, इसको इसके रूप में, तो आप बोलोगे टेन थीटा बराबर 1/cot θ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यदि मैं सर्व समीकाओं का पक्षांतरण कर दूं तो ये करूंगा, मैं ये सर्व समीकाओं का एक बार पक्षांतरण कर रहा हूं, सवाल हम बाद में करेंगे। यहां सर्व समीका पहली थी sin²θ + cos²θ बराबर 1 था। sin²θ + cos²θ बराबर 1 था। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, sin²θ को लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लिया और 1 - cos²θ। मैं आपसे क्या पूछूँगा, इसका क्या अर्थ है, इसको इसके रूप में, के रूप में। अब ये पढ़ लें आप, किसको, sin²θ को किसके रूप में लिखा हुआ है, cos² के रूप में लिखा हुआ है। तो आपका आप सीधा जवाब देंगे कि sin²θ बराबर होता है 1 - cos²θ। यदि मैं इसी को पक्षांतरण कर दूं, cos² को लेफ्ट में रख लूं, cos²θ बराबर 1 वहां पड़ा हुआ है sin²θ, तो क्या पढ़ूंगा, इसको किसको, cosec² को किसके रूप में, sin² के रूप में लिखा गया है। तो ये इस बात पर आधारित है, तो मैं अब इस सवाल को करने के लिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको इसके रूप में याद रख लेना। अब आइए मैं सवाल पे आ रहा हूँ, मेरा जो मैंने अभी बताया उसका अर्थ ये है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूँ बड़ा धैर्य से, चाहे 10 मिनट लग जाए और 15 मिनट लग जाए, ये 4 और ये 5 लिखूँगा, क्योंकि छठी जो दे रखी है वो सेक्स दे रखी है sec θ। पहली सर्व समय क्या क्या सॉरी पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, साइन थीटा को किसके रूप में लिखना है, sec θ के रूप में लिखना है। इसका अर्थ ये है, समझ गए बेटा, किसको, साइन थीटा को
sec थीटा के रूप में लिखना है। अगर मैं दूसरा इसी में कहूँ, एक पहली त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, दूसरा यदि मैं कहूँ cos थीटा को फिर से उसके रूप में लिखना है, sec थीटा के रूप में लिखना है, रूप में लिखना है। दूसरा सवाल, इस सवाल के पांच पार्ट बन रहे हैं। तीसरा पार्ट, tan थीटा को किसके रूप में लिखना है, sec थीटा के रूप में लिखना है, sec थीटा के रूप में लिखना है। चौथा जो पार्ट होगा, cot थीटा को sec थीटा के रूप में लिखना है, sec थीटा के रूप में लिखना है। समझ आ गए। पांचवा इसका पार्ट होगा, cosec sec थीटा तो sec थीटा के रूप में ही होता है, cosec थीटा को किसके रूप में लिखना है, sec थीटा के रूप में लिखना है। ये आपके पांच सवाल हो गए एक सवाल के, ठीक है। अर्थात इस हाथ की तरफ साइन थीटा होना चाहिए, इस हाथ की तरफ sec थीटा होना चाहिए। तो मैं पहला सवाल हल कर रहा हूँ। ये सवाल देखने में एक सवाल है, लेकिन ये छह सवाल है, ठीक है भाई, छह सवाल है। अब करेंगे क्या, अगर हम साइन थीटा को sec थीटा के रूप में लिख देंगे तो साइन और कोशेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो कोशेक को हम बड़ा आसानी से sec थीटा के रूप में लिख देंगे। हमें करना तो दोनों है, लेकिन एक करते ही उसका व्युत्क्रम कर देंगे। दूसरा, cos थीटा को sec थीटा के रूप में लिख देंगे, एक लाइन का है। इसी प्रकार tan थीटा को हम sec थीटा के रूप में यह लिख देंगे तो tan cot का उल्टा होता है, जो यहां मिलेगा उसको व्युत्क्रम करके लिख देंगे। तो भी हालांकि दिखने में ये दो सवाल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसी प्रकार cosec थीटा को sec थीटा के रूप में यहां से प्राप्त कर लेंगे। अब मैं पहले पार्ट पे आ रहा हूं, मेरे पास यहां जगह पड़ी है, यहां लिख रहा हूं, पहले पार्ट के गुड़ लगा रहा हूं, साइन थीटा को sec थीटा के रूप में, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमारी जितनी सर्वसमीकाएं हैं उनमें साइन थीटा और sec थीटा यदि साथ साथ दिखते हैं क्या। हमारी सर्वसमीका नंबर एक साइन थीटा दिख रहा है, दिख रहा है, sec थीटा नहीं दिख रहा है। जिसको लिखना है किसके रूप में लिखना है, दोनों सर्वसमीका में आ जाने चाहिए। तो यहाँ हमें साइन थीटा और sec थीटा किसी न किसी एक सर्वसमीका में प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए। यहाँ साइन थीटा है, sec थीटा नहीं है, यहाँ sec थीटा है, साइन थीटा नहीं है, यहाँ cot थीटा और cosec थीटा है, cosec स्क्वायर होगा भाई, cosec थीटा है, साइन थीटा नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। थोड़ा विकल्प ढूंढ लेते हैं। पहला तो क्या था, बड़ा समय लगाऊंगा, नंबर एक क्या था, साइन थीटा लिखना नहीं है, वह sec थीटा किसी भी सर्वसमीका में प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए, प्रत्यक्ष रूप से मिल जाए या दिखे, मिले, नहीं मिल रहे तो क्या करना, तो दूसरी बार में आपको सोचना है क्या साइन थीटा व sec थीटा का व्युत्क्रम, sec का व्युत्क्रम और दिख रहे हैं, दिखते हैं। साइन थीटा तो सेम रख लें और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो क्या, पहली बार मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या साइन थीटा और sec थीटा किसी एक सर्वसमीका में सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इसलिए ये हमारा विकल्प फेल हो चुका है। फिर हमें देखना है साइन थीटा सेम रख लें और इसका व्युत्क्रम देख लें, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, sec होता है। क्या दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, सॉरी, इसका व्युत्क्रम होता है cos। क्या साइन और cos किसी भी सर्वसमीका में साथ साथ आ रहे हैं, कौन सी में आ रहे हैं, पहली सर्वसमीका मारे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसलिए सर्वसमीका नंबर एक का चुनाव कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। मान लेते हैं ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम ले लेते हैं कोशक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम ले लेते कोशक थीटा और sec थीटा का व्युत्क्रम लेते हम cos थीटा। फिर हम सोचते कि cosec थीटा और cos थीटा किसी एक सर्वसमीका में साथ साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, यह भी फैल। फिर हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा से cos थीटा सेम ले लेते हैं, सॉरी sec थीटा सेम ले लेते हैं और
साइन थीटा का व्युत्क्रम ले लेते हैं और साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा। तो क्या ये दोनों किसी एक सर्वसमिका में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर दो सही है। अब मैं दो नंबर विकल्प ले रहा हूं, अर्थात जिसमें साइन थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम साथ साथ दिख रहे हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे अब अंदाज़ा मिल गया कि सर्वसमीका एक लेऊंगा तब जा कर के मेरा सवाल हल होगा। तो सर्वसमीका एक ले लें और लिख दें, हम जानते हैं कि सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, ये मैंने चुनाव क्यों किया? आप कहोगे ये क्यों नहीं लिया, मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया है। हो गया बेटा, अब हमें इस हाथ की तरफ क्या रखना है? इसको रखना है साइन को, इस हाथ की तरफ क्या ले जाना है? सेक आना चाहिए इसके, इस हाथ की तरफ। हमारा सेक तो नहीं है लेकिन सेक का व्युत्क्रम है, सेक का रिश्तेदार बोल दो। चलिए, इसलिए हमें यहाँ साइन रखना है, या लगा दो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां सोचिए कौन किसके रूप में है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है। हमें रखना है यहां साइन थीटा और यहां क्या रखना है, सेक थीटा। इसलिए कोस थीटा को आसानी से हम हटा सकते हैं, इसके स्थान पर सेक थीटा ला सकते हैं। तो इसलिए कोस थीटा के स्थान पर लिख देता हूं मैं एक बटे सेक थीटा, ये मान मैं रख देता हूँ। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और बराबर एक बटे एक लगा दूँ माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना, हमें तो केवल यहाँ साइन रखना है, साइन थीटा रख लें, घात हटा दें, चाहो तो पहले लघुत्तम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा सेम लिख दिया और एक और सेक स्क्वायर का लघुत्तम आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में एक का भाग लगाया सेक स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर को एक से गुणा किया सेक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर का भाग लगाया एक आया, एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा। ठीक, अब इस तरफ सारे सेक सेक दिखने चाहिए या सेक थीटा दिखना चाहिए और इस हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड हाथ की तरफ साइन थीटा आना चाहिए, लेकिन साइन की घात हटा दो साइन थीटा अकेला आ जाएगा, साइन थीटा बराबर वर्गमूल जो है वो सारा वर्गमूल में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। वर्गमूल से कोई बाहर निकलना चाहता है उसको बाहर निकाल दें, बाहर निकलना वही चाहेगा जिसके ऊपर अकेले पर घात दो हो, इस पर भी घात दो है लेकिन इसके माइनस में एक है, इसलिए क्या हटा दें, इसकी घात हटा दें और कर्णी चिन्ह यानी वर्गमूल हटा दें, हटा दो। तो क्या लिख दूं, साइन थीटा बराबर ये तो सेम रहेगा वर्गमूल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक और बटे की लाइन अलग से बना दें वर्गमूल से और क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा। ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट क्या था, सेक थीटा साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना, ये पहला पार्ट आपका हो चुका है। मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, उतार ले बेटा, यहाँ से बोल देता हूँ, सर्वसमीका नंबर एक का चुनाव कर लिया, सर्वसमीका नंबर एक उठा लिया, यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ मैंने अभी बताया था इसको इसके रूप में, आराम से उतार लो, यहाँ लिख दो एक बार के लिए इसको और के रूप में, अर्थात बराबर के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाना चाहिए, को आ जाना चाहिए, इस हाथ की तरफ के रूप में आ जाना चाहिए। को कौन था, साइन के आगे को लगा हुआ था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साइन आ जाना चाहिए और के रूप में का अर्थ है सेक थीटा के रूप में, ये लिखा हुआ स्पष्ट भाषा में के रूप में, तो यहाँ सेक आ जाना चाहिए, यहाँ साइन आ जाना चाहिए। अब क्या करें, अब मैंने बताया था साइन और सेक किसी एक सर्वसमीका में आए उस सर्वसमीका का चुनाव कर लें, साइन और सेक प्रत्यक्ष रूप से किसी सर्वसमीका में नहीं आ रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से, और कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, इसलिए पहली सर्वसमीका का चुनाव कर लिया, ये सर्वसमीका हमारे कोई काम की नहीं है सवाल के लिए, ये भी कोई काम की नहीं है। अब क्या किया, मैंने पहली सर्वसमीका का चुनाव कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे इस हाथ की तरफ क्या लाना था, को के स्थान पर
साइन लाना था और इधर क्या ले जाना था, सेक का रिश्तेदार ले जाना था, सेक का रिश्तेदार प्लस था इसलिए माइनस का हो गया। उसके बाद क्या किया, कोस को हटाना था, कोस के स्थान पर के रूप में के स्थान पर क्या लाना था, सेक लाना था, सेक को कोस कोस बराबर कोस थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाया एक बटे सेक थीटा हो गया, लघुत्तम सेक थीटा आ गया। लघुत्तम आने के बाद हल किया तो सेक स्क्वेयर माइनस वन ऊपर आ गया। अब यहाँ साइन की घात हटानी थी, साइन की घात हटा दी, वर्ग हटाया वर्गमूल हो गया, ठीक है, वर्ग हटाया अर्थात यहाँ से घात दो हटाई, राइट हैंड साइड का वर्गमूल हो गया। वर्गमूल आने के बाद वर्गमूल से यदि कोई बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल दें, बाहर वही निकलेगा जिसके ऊपर घात दो हो, अर्थात सेक अकेले पर घात दो है, सेक अकेला निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं निकल पाएगा, सेक के ऊपर घात दो भी यहाँ है लेकिन माइनस एक इसके साथ लगा हुआ है, ये नहीं निकल पाएगा, सेक अकेला रह जाएगा, सेक अकेला रह गया वर्गमूल में, पूरा लंबा अंश और हर पर वर्गमूल था वो वर्गमूल केवल अंश अंश पर रह गया, ठीक है, समझ आगे। अब आइए दूसरा पार्ट ये क्या कह रहा है, मैं पहला पार्ट मिटा देता हूँ, हमारा पहला पार्ट हो चुका है, इतनी जगह चाहिए मुझे हर पार्ट को करने के लिए। दूसरा जो पार्ट है, किसको किसके रूप में, कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में, कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखा पड़ा है, कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में, अर्थात को इस हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड आई हैंड की तरफ कोस थीटा आ जाना चाहिए और उधर सेक थीटा आ जाना चाहिए। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा होता है, ये लिखा गया, बस कुछ नहीं करना इसको, और किसके रूप में, के रूप में, के रूप में पढ़ लो, किसको हो गया बेटा, किसको, कोस को, किसके रूप में, सेक के रूप हो गया। ये दूसरा पार्ट आपका पूरा हो चुका है, ये दूसरे पार्ट पर भी मैं गुड लगा रहा हूँ, तीसरे पार्ट पे आ जाइए, टैन थीटा को सेक थीटा के रूप में, टैन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिख लिया। अब मैं ये मिटो रहा हूँ, ये पार्ट नंबर तीन, टैन थीटा को सेक थीटा के रूप में, अब हमें वही करना है, हमें उस सर्वसमिका का चुनाव करना है जिस सर्वसमिका में सेक और टैन प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, क्या सोच ले कौन कौन, सेक और टैन थीटा, सेक और टैन थीटा सर्वसमिका नंबर दो में दिखते हैं, इसलिए सर्वसमिका नंबर दो का चुनाव कर लें। हम जानते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा, कर लिया। अब हमें क्या रखना, को के स्थान पर तो रखना है टैन और के रूप की तरफ ले जाना हमें सेक जो कि पड़ा हुआ है, इसलिए पक्षांतरण कर दो, या लगा करके टेन स्क्वेयर थीटा और बराबर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस एक हो गया। अब क्या करें, हमें तो यहाँ आगे बस यूँ कि कौन किसके रूप में, टेन स्क्वेयर थीटा इसके रूप में घात हटा दो अधिकतम, ये भी सही है, और घात हटा दो, और घात हटा देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वर्गमूल हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा और माइनस वन। अब ये हमारा सवाल हो चुका है, कौन किसके रूप में, टेन थीटा सेक थीटा के रूप में प्राप्त हो चुका है भाई। अब आइए इसका विलोम, कोट थीटा को सेक थीटा के रूप में, कोट थीटा को सेक थीटा के रूप में, अब इसका हम इसको हल नहीं करेंगे, जो हमने टेन वाला प्राप्त किया है टेन थीटा बराबर ये होता है, ये होता है। अब इसके स्थान पर आप कोट लिख सकते हो, टेन को हटा दें, मैं चौथा पार्ट कर रहा हूँ, कोट थीटा को सेक थीटा के रूप में, राइट हैंड साइड में सेक पड़ा हुआ है इसको हटाना है, इसके स्थान पर कोट लाना है, और कोट का और टेन का आपसी संबंध होता है, कोट टेन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए पार्ट नंबर चार यही कर रहा हूँ, पार्ट नंबर चार, टेन थीटा बराबर वर्गमूल सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन जो ऊपर प्राप्त हुआ वो लिख दिया मैंने, लिख दिया भाई, ये करना है मुझे, ठीक, टेन थीटा को हटा दूं और टेन थीटा के स्थान पर लिख दूं एक बटा कोट थीटा और बराबर वो उसको मत छेड़ो, सेम टू सेम उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इस हाथ की तरफ कोट थीटा आया, इस हाथ की तरफ सेक थीटा आया, लेकिन कोट हर में है, अंश में कर दें व्युत्क्रम करने पर, इस पूरे के बटे में यदि मैं एक लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, व्युत्क्रम कर दें, अंश को हर में बदल दें और हर को अंश में बदल दें व्युत्क्रम करने पर। बस ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, व्युत्क्रम करने पर कर दें व्युत्क्रम, इसका हर अंश में बदल दें और अंश हर में बदल दें, कोट थीटा ऊपर आ जाएगा, बटे में एक का कोई महत्व नहीं है। यहाँ भी कोई महत्व नहीं था, लेकिन ऊपर ले जाएंगे एक ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस एक रह जाएगा। ये हटा देता हूँ, हमें एक हटा दूँ, कौन किसके रूप में, कोट sec के रूप में, कोट थीटा को sec थीटा के रूप में लिख दिया है, हो गया, cos cosec थीटा को sec थीटा के रूप में। ये पहला पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पहले हमने क्या प्राप्त किया था, साइन थीटा को sec थीटा के रूप में प्राप्त किया था। अब आइए ये मिटो देता हूँ, आखिरी पार्ट ये भी लो। अब tan लास्ट क्या था, किसको किसके रूप में, cosec थीटा को sec थीटा के रूप में, सर्वसम्मी का नंबर एक का चुनाव फिर से कर रहा हूँ, नहीं तो साइन वाला परिणाम ले लूँ मैं, क्या साइन वाला क्या परिणाम था, साइन थीटा बराबर वर्गमूल, बोलो भाई क्या था अभी जो प्राप्त किया था, बढ़िया, बटे में sec थीटा ना, वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा माइनस एक का वर्गमूल और बटे में sec थीटा, कौन किसके रूप में था, ये साइन थीटा sec थीटा के रूप में था, हमें क्या लाना है, cosec थीटा sec थीटा के रूप में लाना है, इसलिए हमें साइन को हटा करके इसके स्थान पर cosec लिख देंगे। तो ये मैंने वो परिणाम पहले जो पहला परिणाम प्राप्त किया था वो ले लिया, अब इसका किससे संबंध होता है, cosec से होता है, इसको हटाएंगे तो एक बटा cosec लिख देंगे, एक बटा cosec थीटा होता है, कहो तो कारण वहाँ लिख दूँ, ये लिख देता हूँ, cosec थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर एक बटा cosec थीटा, ये लो मैं। तो मैंने किसको हटाया, साइन को हटाया, उसके स्थान पे क्या लिख दिया, एक बटा cosec लिख दिया और वो सेम टू सेम लिख दिया, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस एक और बटे में sec थीटा। अब क्योंकि हमें हर में नहीं चाहिए cosec, अंश में चाहिए, इसलिए व्युत्क्रम करने पर, ये फिर से दूसरी बार आया है, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, और याद रखिए व्युत्क्रम हम दोनों पक्षों का करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का यदि व्युत्क्रम करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम कर दो, अंश को हर में बदल दें, हर को अंश में बदल दें, cosec ऊपर आ जाएगा थीटा और बटे में एक बराबर, ऊपर कौन चला जाएगा, sec थीटा चला जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब अपना ये आखिरी पार्ट भी पूरा हो चुका है और हमारा आखिरी पार्ट आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, cosec थीटा को sec थीटा के रूप में, इसको इसके रूप में बराबर हो गया, भी बिल्कुल हो गया होगा, कोई समस्या आ रही है तो इसका दूसरा सवाल फिर से आ रहा है इस जैसा, दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ भाई, और ये प्रश्नावली जो विद्यार्थी बड़े धैर्य से करेंगे उन विद्यार्थियों को पता लग जाएगा कि त्रिकोणमिति कितनी आसान है, कितनी रोचक है, और यदि रोचकता बढ़ गई आप लोगों की त्रिकोणमिति में तो प्लस वन में जा कर के आपको ये करने का, ये निर्णय करने का मौका मिल जाएगा कि हम मैथ लें या बायो लें, जो भी, यदि ये प्रश्नावली आती, दसवीं क्लास में दो प्रश्नावलियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों को बारहवीं कक्षा या ग्यारहवीं कक्षा में खूब काम में आती है, विशेषतः ऐच्छिक गणित में, और वो प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति एक तो, और एक ये त्रिकोणमिति है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हमारी सातवीं प्रश्नावली है शायद इसी में, या नौवीं प्रश्नावली होगी, सातवीं या नौवीं प्रश्नावली है, हाँ ये निर्देशांक ज्यामिति है, इससे अगली निर्देशांक ज्यामिति होगी, ये रही कौन सी प्रश्नावली है, नौवीं प्रश्नावली है, ये दो प्रश्नावलियाँ ऐसी हैं जिनसे आपका रुझान ये बढ़ जाएगा कि यदि अच्छी तरीके से आती है तो हम दसवीं क्लास में जा, ग्यारहवीं क्लास में जाके हम मैथ लें, उसके साथ कोई भी विषय आ गया नया जो शिक्षा नीति आ गई उसमें। अब बोल दो बेटा दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी सभी नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मितीय अनुपातों, अनुपातों किन किन को,
साइन थीटा कोमा सेक थीटा कोमा टेन थीटा को किस में व्यक्त करना है, कोट थीटा के रूप में व्यक्त करो या लिखो, व्यक्त करो। अब यहाँ आप सोचिए, जो पहला सवाल था उसमें पांच सवाल बने थे, यहाँ आपके केवल तीन सवाल बन रहे हैं। उन तीनों सवालों को पहले मैं मौखिक बता देता हूँ कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए इधर, पहला सवाल बन रहा है साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में, ठीक है। दूसरा सवाल बन रहा है सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में, और तीसरा सवाल बन रहा है टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में। मैं मौखिक रूप से बोल दिया मैंने, अब मैं लिख रहा हूँ। पहला सवाल क्या बनेगा, साइन थीटा को किसके रूप में, कोट थीटा के रूप में, कोट थीटा के रूप में। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा इसका पार्ट क्या बनेगा, सेक थीटा को सेक ये ना सेक थीटा को सेक ये ना वो सेक थीटा को किसके रूप में, कोट थीटा के रूप में, कोट थीटा के रूप में। ये आपका दूसरा पार्ट बन गया। तीसरा पार्ट इसी का क्या बनेगा, टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में, को कोट थीटा के रूप में। ये आपके तीन सवाल बन रहे हैं। पिछले पार्ट में हमारे पांच बन रहे थे, अब तीन बने हैं, बड़े आसान, सेम उसी तरीके से, ठीक है। अब आइए वो तरीका लें, तो नंबर एक कर रहा हूँ मैं, इसका पहला पार्ट यहाँ इतनी जगह में हो जाएगा। मैंने कहा था साइन थीटा और कोट थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कोट थीटा जिस सर्वसमीका में, कौन कौन, साइन थीटा और कोट थीटा जिस सर्वसमीका में, पहली में, दूसरी में या तीसरी में, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठा करके यहाँ लिख दें, हम जानते हैं कि, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइन थीटा और कोट थीटा, साइन और कोट नहीं है दोनों, साइन और कोट नहीं है दोनों, साइन और कोट नहीं है दोनों, नहीं है, तो क्या करें, अब क्या करें, प्रत्यक्ष रूप से दोनों नहीं आ रही, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, साइन थीटा व कोट थीटा प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, सोचा है मैंने, लिख दिया, नहीं है, छोड़ दें। चलिए उसके बाद साइन थीटा का रिश्तेदार ले लें, अर्थात इसका व्युत्क्रम ले लें। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोशेक थीटा होता है, इसको सेम ले लें। वह कोट थीटा क्या प्रत्यक्ष रूप से है, क्या प्रत्यक्ष रूप से है, है क्या, कौन कौन, साइन थीटा का व्युत्क्रम ले लिया कोशेक थीटा, कोट थीटा सेम ले लिया, क्या अब ये दोनों दिख रहे हैं, अब ये दोनों मुझे लग रहा है कि आखिरी सर्वसमीका में दिख रहे हैं, हमारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वसमीका नंबर एक का चुनाव कर लेते हैं, और सर्वसमीका नंबर सॉरी तीन का चुनाव कर लेते हैं, और यहां लिख दूं मैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं वो लिख लो, सर्वसमीका नंबर तीन, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा और बराबर कोसेक स्क्वेयर थीटा। हमें क्या लिखना, मैंने सर्वसमीका उठा कर लिख तो दी, लेकिन देखना क्या है कि लेफ्ट हैंड की तरफ साइन आना चाहिए ना, लेकिन साइन का रिश्तेदार है वही तो साइन लाएगा, कोशक को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक बटा साइन आएगा, इसलिए पूरी समीकरण के पलड़ों को इधर से उधर और इधर से उधर बदल दें, ठीक है। पक्षांतर नहीं कहूँगा मैं, मैंने दोनों पलड़ों को बदल दिया, या लिख देता हूँ मैं, या कोशेक स्क्वेयर थीटा और बराबर वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ये लिख दिया मैंने, ये और ये, मैंने ये पूरा पलड़ा घुमा करके राइट हैंड में लिख दिया, और ये पूरा पलड़ा घुमा करके लेफ्ट हैंड में ले आया, कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिए, पक्षांतरण नहीं किया मैंने। अब आइए, अब यहाँ कोशक को हटाना है, इसके स्थान पर साइन लाना है, तो कोशक को हटाइए, कोशक क्या होता है, एक बटा साइन स्क्वेयर, एक बटा साइन स्क्वेयर थीटा, वो सेम टू सेम जिसकी हमें आवश्यकता थी, और इसके वहाँ कारण लिखते हैं, जगह नहीं थी मेरे पास, मैं कारण नहीं लिख पाऊँगा, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, ये लो मैंने क्या किया वो यहाँ लिख देता हूँ, मैंने ये किया कोशक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा किया, ये किया था मैंने, ठीक है। हर में नहीं होना चाहिए, अंश में ले आओ, अंश में ले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा,
व्युत्क्रम करने पर, क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो, अंश को हर में बदल दें, हर को अंश में बदल दें। व्युत्क्रम किया तो यहाँ क्या आया, साइन स्क्वेयर थीटा बटे में क्या जाएगा, एक आएगा, और इसके बटे में एक लगा लें, ये एक ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ये व्युत्क्रम आ चुका है। हमें केवल साइन थीटा ज्ञात करना है, स्क्वेयर हटाना है, ठीक है। अब ये यहाँ लिख दो, साइन स्क्वेयर हटाना है तो साइन अकेला रह जाएगा और अगले राइट हैंड का वर्गमूल हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा एक बटे एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा और सारे का वर्गमूल। अब वर्गमूल से बाहर कौन निकलेगा, एक निकल जाएगा, ध्यान रहिए ये एक नहीं निकल पाएगा, ये कोट स्क्वेयर भी नहीं निकल पाएगा, यहाँ गुणा में होता तो ऐसा हो जाता, यहाँ जोड़ आ गया इसलिए नहीं निकल पाएगा। अगर फिर ये एक स्टेप और लिख दूँ कि साइन थीटा बराबर एक, वर्गमूल से रहित कर दो, वर्गमूल से लेस कर दो कोट स्क्वेयर थीटा, कौन किसके रूप में आ गया, साइन कोट के रूप में प्राप्त हो गया, साइन कोट के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया, अब आइए दूसरे पार्ट पर। हो गया पहला पार्ट, कोई समस्या नहीं है। दूसरे पार्ट में सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखना है। अब देखना क्या, सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखना है, मैं फिर से लिख दूं, सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखना है, कोट थीटा के रूप में, तो इस हाथ की तरफ सेक आ जाना चाहिए, इस हाथ की तरफ कोट आ जाना चाहिए। ऐसी सर्वसमिका का चुनाव कर लें जिसमें सेक और कोट दोनों आते हैं, कौन कौन, सेक और कोट दोनों आते हो, देख लें सेक और कोट नहीं आ रहा है, सेक और कोट नहीं आ रहा है, सेक और कोट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो रिश्तेदारों पर विचार कर लें, इसका रिश्तेदार ये सेम रहने दें, सेक का सेक रहने दें, और इसका रिश्तेदार ले लो, कौन है इसका रिश्तेदार, टेन है, तो इसका रिश्तेदार टेन हो गया, ये टेन हो गया। अब बताइए क्या सेक और टेन किसी सर्वसमिका में है, है? सर्वसमिका नंबर दो में आपको दिख रहे हैं टेन और सेक थीटा, ठीक है। इसलिए कौन सी सर्वसमिका लेना आवश्यक होगा, दूसरी ले लो, सर्वसमिका नंबर दो ले लो, हाँ यहाँ कोई दिक्कत है तो बताना बेटा, चलिए सर्वसमिका नंबर दो ले ले, ये लो। तो हम जानते हैं कि क्या, सर्वसमिका नंबर दो लिख दें, हम जानते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा। अब देखिए इस हाथ की तरफ कोट जाना चाहिए, लेकिन कोट का रिश्तेदार तो लेफ्ट हैंड में, इसलिए उस सारे पलड़े को घुमाकर इस तरफ ले आएं और इस सारे पलड़े को घुमाकर उस तरफ ले जाएं, अर्थात सेक इस हाथ की तरफ आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं या लगा करके सेक स्क्वेयर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, सेक को बदल दें, टेन को बदल दें, सॉरी टेन थीटा हटा दें, और टेन थीटा क्या होता है वो यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, एक बटा सेक में तोड़ना आवश्यक होगा, साइन बटे कोस में नहीं, तोड़ दें, सेक थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा बराबर एक बटा एक कर दें और प्लस टेन को हटा दें, एक बटा सेक स्क्वेयर लिख दें, लघुत्तम ले लें, क्या लघुत्तम आ जाएगा, सेक स्क्वेयर लघुत्तम आ जाएगा, तो सेक स्क्वेयर थीटा बराबर हो जाएगा, लघुत्तम आया हमारा सेक स्क्वेयर थीटा, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा माइनस प्लस एक, घात हटा दें, यहाँ इसकी घात हटाई तो क्या मिलेगा, माए ये मिलेगा सेक थीटा बराबर वर्ग मूल में चला जाएगा अंश और हर दोनों, कौन कौन, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस वन और बटे कौन, सेक स्क्वेयर थीटा। वर्गमूल से बाहर निकलने की क्षमता कौन रखता है, सेक स्क्वेयर रखता है, ये भी रखता है, लेकिन इसके जोड़ में एक आ गया इसलिए इसकी क्षमता नहीं रही, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा बराबर ऊपर वाला सेम वर्गमूल में रह जाएगा, नीचे वाला आज़ाद हो जाएगा, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस एक बटे सेक थीटा, ये कौन किसके रूप में आ गया, सेक थीटा, गलत कर दिया भैया हमने, रे गलत कर दिया बेटा हमने, किसको किसके रूप में लिखना था, कोट के रूप में लिखना था, ये देखिए कर दिया गलत, सॉरी भाई माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत कर दिया मैंने, ये टेन को हटाना था, मुझे यहाँ कोट लिखना था, वन अपॉन कोट लिखना था, माफ़ी चाहता हूँ भाई,
ये देखो परिणाम नहीं आया, परिणाम गलत आया, टेन स्क्वेयर थीटा, ये लो लघुत्तम ले लो, टेन स्क्वेयर थीटा, लघुत्तम आया टेन स्क्वेयर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा दुरुस्त। और ये हो जाएगा एक टेन स्क्वेयर थीटा प्लस एक, ये लो और हटा दो, ये सिर्फ यही बदलना है, ये बदलना है। यहाँ क्या आया, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस एक और बटे में टेन स्क्वेयर थीटा, ये भी हटा दें, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस एक और बटे में क्या आ जाएगा, घात हटने के बाद अकेला टेन रह जाएगा। तो कौन किसके रूप में, क्या कर दिया रे मैंने, फिर गलत कर दिया क्या, वो देखो यार फिर गलत कर दिया, ये मिटो रहा हूँ भाई, सॉरी, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चला गया था। सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखना था, यहाँ टेन आया है, टेन को मैंने वहाँ गलत लिख दिया, टेन को क्या लिखूँ, टेन को लिखूँ कोट थीटा के रूप में, ठीक है, तो टेन हटा दिया, सॉरी, और टेन सेक स्क्वेयर थीटा बराबर एक बटा एक प्लस टेन हटाया, वन अपॉन कोट स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये जगह कम थी, मिटवा देता हूँ। यहाँ क्या करें, sec स्क्वेयर थीटा और बराबर, और लघुत्तम ले लें, लघुत्तम आया cot स्क्वेयर थीटा और ऊपर आ जाएगा cot स्क्वेयर थीटा और प्लस एक आ जाएगा, sec की घात हटा दें, sec थीटा बराबर वर्गमूल cot स्क्वेयर थीटा प्लस एक और बटे में cot स्क्वेयर थीटा, इससे हटा दें करणी चिन्ह, वर्गमूल हटा दें, sec थीटा बराबर हो जाएगा, वर्गमूल हट गया तो अंश में रह जाएगा वर्गमूल, हर आज़ाद हो जाएगा, cot थीटा रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा cot स्क्वेयर थीटा प्लस एक, कौन किसके रूप में, यहाँ गलती हो सुधर गई भाई, सॉरी, sec cot के रूप में, sec थीटा cot थीटा के रूप में, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ से मैंने गलती कर दी थी, उसके बाद दो गलतियाँ कर दी, सॉरी इसके लिए, और आगे थोड़ा और एकाग्रचित होकर के बताऊँगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीन, तीन ही है ना, ये सारी इस पे आपकी किताब में एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी में 36 उसको आप सूत्र कह लें या संबंध कह लें, वो इन्हीं से बने हुए हैं, और ये सारणी का पेज नंबर बताना बेटा, ये राजस्थान बोर्ड की किताब का सारणी का पेज है, पेज नंबर 108 पर कंप्लीट इन्हीं संबंधों पर आधारित बनी हुई है, जो 11वीं क्लास में आपको मौखिक याद रखनी पड़ेगी, याद रह जाएगी अभ्यास होने के बाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीन, बोल दो क्वेश्चन नंबर तीन, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस गुणा कोस स्क्वेयर थीटा गुणा कोट स्क्वेयर थीटा बराबर कोट स्क्वेयर थीटा, कोट ही है ना, चलिए ये सवाल सिद्ध करने में है, ऊपर इनके हेडिंग है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, यानी सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमें सिद्ध करना है। इन सवालों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए तो राइट हैंड मिल जाएगी, या लेफ्ट राइट हैंड साइड लीजिए लेफ्ट मिल जाएगी, दो बातें, नंबर एक लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उसको हल करेंगे राइट हैंड साइड मिल जाएगी, नंबर दो राइट हैंड साइड लेके हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड मिल जाएगी। कई बार कुछ एक सवालों में लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा, जिससे यहाँ आकर के दोनों बराबर आ जाएंगे, एक तराजू की तरह हो जाएंगे, ये पलड़ा बराबर इस पलड़े के हो जाएगा, इसलिए कुछ सवाल ही ऐसे हैं जिनमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। अमूमन सवाल राइट हैंड साइड लेके ही करते हैं, इससे कोई रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब बार बार अभ्यास करोगे तो ये सब कुछ आपको आ जाएगा। अब सिर्फ अभ्यास पर, ये सिर्फ अभ्यास पर है। अब यहाँ कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड का जिक्र कर रहा हूँ, करेंगे एक सवाल कंप्लीट कर देता हूँ, LHS लेने पर केवल एक सवाल मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ, LHS को लिख लेते हैं, समय न गंवाएं, डायरेक्ट लिख दें आप, cos स्क्वेयर थीटा गुणा cot स्क्वेयर थीटा, ये लो राइट हैंड साइड को मैंने छोड़ दिया, ठीक, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ उतार दिया। अब क्या करना हमें, अब यहाँ क्योंकि मेरा तो अभ्यास हो चुका है और अभ्यास होने के बाद ही ऐसा संभव है, थोड़ा देख लें गणितीय रूप से ये सेम है और ये भी सेम है,
बीच में जोड़ का चिन्ह है, इसलिए कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन। और कॉमन क्या आएगा? कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन का अर्थ है महत्तम। कॉमन लेने के बाद कॉमन का भाग लगा दो पहले पद में। कोस ये उसमें मौखिक नहीं बता रहा हूँ, मैं रफ कार्य करके बता रहा हूँ। पहला पद कोस स्क्वायर था, पहला पद कोस स्क्वायर था, कॉमन कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर कॉमन इसलिए कि यहाँ भी पहले पद में कोस स्क्वायर, यहाँ दोनों गुणा में है, यहाँ भी कोस स्क्वायर कॉमन का अर्थ है। इन दोनों पदों के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेल खाती हो? कोस स्क्वायर मेल खा रहा है, कोस स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ कॉमन आने के बाद पहले पद में कोस स्क्वायर, पहला पद ये था, कॉमन का भाग लगा दो, कोस स्क्वायर का भाग लगा दो, क्या आया? एक आया, ठीक है भाई। और वो एक यहाँ लिख दो प्लस, ठीक है। दूसरा पद ये है, दूसरा पद दोनों पद गुणा में है, ये दो पद हैं हालांकि, लेकिन बीच में गुणनफल है, ठीक है। इसलिए इन दोनों पदों में किस किस में? कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा में भी किसका भाग लगा दें? कॉमन का भाग लगा दें। कॉमन क्या था? कोस स्क्वायर थीटा। ये भाग लगा दिया कोस स्क्वायर थीटा। ये भाग ऐसे करके नहीं लगाएंगे, ये अंक गणित में होता है, ठीक है। अब भाग लगाने का अर्थ होता है बटा कर दें, ठीक है। भाग लगाया, गुणा में था ये भाग में था, यहाँ गुणा है भाई, जोड़ होता तो नहीं कटता, ये ध्यान रखिए। बच्चे वो मन यहाँ गलती करते हैं, बचा वो लिख दो, क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा हो गया भाई। इतना होने के बाद आपको क्या देखना है, क्या कोष्टक में जो आया है वो क्या किसी सर्वसमीका में मेल खाता है? कौन सी सर्वसमीका में मेल खाता है? तीसरी नंबर सर्वसमीका में। और ये रही हमारी तीसरी नंबर सर्वसमीका, ठीक है। इस पूरे कोष्टक वाले को हटा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, या मैं कहूँ इस सारे को लात मार देंगे। इसके स्थान पर क्या ले आएंगे? इसके स्थान पर कोशक स्क्वायर ले आएंगे। मैं मेरा छड़ी से एक प्लस कोट स्क्वायर हटा दूं, एक प्लस कोट स्क्वायर के का मान क्या था? कोशक स्क्वायर थीटा था। इस पूरे को हटा दिया, इसके स्थान पर मैंने कोशक स्क्वायर थीटा रख दिया। और जो मैंने किया है वो यहाँ कारण यहाँ दे दूं, क्या? एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोशक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो लिखने के कारण देने के बाद ये कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, बीच में कोई चिन्ह नहीं था, कोष्टक था, इसका अर्थ है गुणा है। और इसको हटाया, इसके स्थान पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई। अब इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ, थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा। इसको मैं तोड़ सकता हूँ एक बटा सेक में, और इसको तोड़ सकता हूँ एक बटा साइन में, लेकिन हमें लाना क्या है? कोट लाना है। इसलिए ये मन में आने की बात है कि ये मैं इसको तोड़ूँ, मौखिक सोच लिया मैंने, तो एक बटा सेक हो जाएगा, इसको तोड़ूँ तो एक बटा साइन हो जाएगा। तो न तो यहाँ सेक है, न यहाँ साइन है, इसलिए क्या करें, कोस स्क्वायर को सेम रख लें, और बटे में गुणा में ही, सॉरी गुणा, इसको तोड़ दें। कोशक स्क्वायर क्या होता है? कोशक स्क्वायर क्या होता है? एक बटे साइन स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। जो आपने किया उसका कारण इसके सामने दे दें। कोस स्क्वायर कोशक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, स्क्वायर ना लगाए जाए, बराबर एक बटे साइन थीटा। घात दो है तो घात दो यहाँ, तीन है तो तीन यहाँ, चार है तो चार यहाँ, ठीक है। क्या हटा दिया मैंने? कोशक स्क्वायर थीटा को हटा दिया, उसके स्थान पर क्या रख दिया? साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब हर में यहाँ एक लगा दें तो कोई परवाह नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर लें, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लें, यानी अंश को अंश से गुणा कर दें, हर को हर से गुणा कर दें। अंश को अंश से गुणा किया, क्या आया? कोस स्क्वायर थीटा आया। हर को हर से गुणा किया, क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा आया। अब ये मुझे लग रहा है कोई ना कोई संबंध है, ये किसी न किसी के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिख दूँ? कोट थीटा के रूप में लिख दूँ, ये सारे को हटा दूँ। मैं आपसे यदि ये पूछूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, यानी कोस और साइन का अनुपात क्या होता है? कोट होता है, तो यहाँ कोट होता है, ये कारण भी मैंने साथ में लिख दिया। इस सारे को हटा दूं, इसके स्थान पर क्या लिख दूं? कोट स्क्वायर थीटा लिख दूं। ये कौन सी साइड मिल गई?
राइट हैंड साइड मिल गई। राइट हैंड साइड क्या प्राप्त करना था, कोट स्क्वेयर थीटा प्राप्त करना था, और क्या प्राप्त हो गया, कोट स्क्वेयर थीटा प्राप्त हो गया। इसलिए आप क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और यही सिद्ध करना है, या लिख दो इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 3 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। बोल दो बेटा 4 नंबर क्वेश्चन मुझे। टेन थीटा इकट्ठा बोल दो। हाँ, sec थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, जी बिल्कुल, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और कोष्टक बंद और बराबर 1। ठीक है, मैंने कहा था या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर लें या राइट हैंड साइड लेकर के हल कर लें। राइट हैंड साइड लेके हल नहीं हो सकता, और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर मैं लिखूँगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को मैं उतारूँगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, थोड़ा ध्यान रखें, साइन को कम से कम तोड़ना होता है, टेन को साइन बटे कोस में अधिकतर, एक बटा कोट में भी तोड़ना होता है। ठीक है, साइन और कोस कम टूटते हैं अमूमन, लेकिन अभ्यास की बात है। सेक को आप तोड़ना चाहो तो भी तोड़ सकते हो, एक बटा कोस में, इन इसको न तोड़ें। अब न तोड़ने का कारण मेरे पास नहीं है, सेम टू सेम लिख दें और ये कोष्टक शुरू करते हैं और ये कोष्टक बंद कर दें। क्या ले लिया मैंने, LHS लेने पर ठीक है, पहला दावा टेन और कोट पर होना चाहिए आप लोगों का, टेन और कोट को तोड़ दें। टेन और कोट को दो तरीकों से तोड़ सकते हैं, साइन बटे कोस और कोस बटे साइन में। सेक को तोड़ दें, सेक को तोड़ा तो क्या आया, एक बटा कोस थीटा प्लस टेन को हम दो तरीकों से तोड़ सकते हैं, एक बटा कोट के रूप में भी लिख सकते हैं। टेन ये होता है भाई, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और क्या किया था मैंने, कोस सेक थीटा को भी तोड़ा था, हमने सेक थीटा के स्थान पर क्या लिखा था, एक बटा कोस थीटा लिखा था। ठीक है, ये दो काम कर लिए मैंने, क्या किया, सेक थीटा को प्रतिस्थापित कर दिया, उसके स्थान पर एक बटा कोस थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत। अब मैं टेन थीटा को प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ, टेन थीटा ये भी होता है, ध्यान रखें, टेन थीटा होता है एक बटे कोट थीटा। आपने कहा कि ये कोट थीटा इस रूप में क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ यदि मैं इस रूप में लिखता तो यहाँ हर में एक बटे कोट मिलता, यहाँ कोस मिला यहाँ कोट मिला, लघुत्तम लेना पड़ता तो अलग अलग हो जाते। लेकिन यदि मैं ये लिख दूँ साइन बटे कोस, तो यहाँ हर में कोस है यहाँ भी कोस मिलता, लघुत्तम लेने में आसानी हो जाती। तो किसको तोड़ लिया मैंने, टेन को तोड़ लिया, उसको तोड़ करके क्या लिख दिया, साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दिया। बड़ा आसान सवाल है वैसे, सेक थीटा सेम रख लिया, चाहो तो सेक थीटा को एक बटा कोस थीटा में लिख सकते हो, लेकिन आगे आवश्यकता पड़ी तो लिख देंगे, एक माइनस साइन थीटा। यहाँ सवाल ये पूछोगे, साइन थीटा को क्यों नहीं तोड़ा, एक बटा कोशक में तोड़ना था, अब यहाँ कोशक आता ही नहीं कहीं, तो कोशक तो दाल भात में मुसलचंद है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अलग से कोशक आ जाता, तो यहाँ क्या करते, ये नहीं किया। अब यहाँ लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आया, कोस थीटा, कोस कोस दो जगह है, एक लघुत्तम आ गया। मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ यदि एक बटा दो प्लस एक बटा दो होता तो हम लघुत्तम दो लेते, एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन होता तो लघुत्तम हम तीन लेते, यहाँ तीन होता, तो यहाँ क्या लघुत्तम आया, कोस थीटा आया, कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगाया, एक आया, एक को एक से गुणा किया, एक आया, माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगाया, एक आया, एक को साइन से गुणा किया, साइन थीटा आया, ये सब थीटा। अब बड़ी अच्छी कंडीशन में आ गए हम, प्लस, थैंक यू भाई। अब देखिए, अब दो पद, एक माइनस साइन और एक प्लस साइन थीटा मिल रहे हैं क्या, तो मैं गुणनखंड के सूत्रों से परिचित करवा देता हूँ। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, होता है क्या, ए प्लस, यहाँ से पढ़ो, ए प्लस बी
गुणा गुणा या ए माइनस बी है क्या, तो एक बार जोड़ में है एक बार घटाओ में है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। लिख दो, एक बार लिख देता हूँ, सेक थीटा सेम, बटे में ले आता हूँ मैं कॉस थीटा। देखो भाई सब गुणा में है, ये बटे वाला इसके बटे में ले लेता हूँ, झंझट खत्म, बटे में कॉस थीटा। और यहाँ गुणा है क्या, एक बार जोड़ है एक बार घटाओ है, तो क्या बनेगा, एक बार जोड़ एक बार घटाओ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अर्थात मैं अंबड़ा कोष्टक ले लेता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और कोष्टक बंद। सूत्र का हवाला उस तरफ दे दें, सूत्र का कारण वहाँ दे दें, एक के स्थान पर एक और बी के स्थान पर साइन थीटा लिख दें। हो गया भाई, हो गया। अब यहाँ घात हटा दें, सेक थीटा सेम लिख दें, बटे में कोस थीटा सेम लिख दें, और गुणा कोष्टक छोटा लगा दें, एक माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये फिर से कोई ना कोई सर्वसमिका आ चुकी है, याद रखिए जहाँ भी घात दो लगे वहाँ सर्वसमिका के बारे में ज़रूर सोच लें। एक माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, पहली सर्वसमिका मैं मिटो रहा हूँ, पहली सर्वसमिका मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ, ये मैंने यूज़ किए थे, ये भी मिटो दिए मैंने। यहाँ क्या था, मैंने को स्क्वेयर रख दिया, एक था और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, ये आपके पास मिला हुआ है, और ये रहा एक माइनस साइन स्क्वेयर, इसको हटा दें को स्क्वेयर लिख दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा सेक थीटा बटे कोस थीटा, और गुणा क्या कोस स्क्वेयर थीटा। और मैंने क्या किया वो लिख देता हूँ, एक माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हटाया था उसके स्थान पर कोस स्क्वेयर थीटा लिखा है, ठीक। अब क्या करें, कोस की घात यहाँ एक है ऊपर दो एक घात हट जाएगी, कट जाएगी, जैसे एक बटा एक्स गुणा एक्स स्क्वेयर हो तो ये काट देते हैं हम, तो इसी प्रकार क्या किया, कोस यहाँ कट गया यहाँ घात कट गई, हमारे पास बचा है सेक थीटा गुणा कोस थीटा, हमारे पास बचा है सेक थीटा गुणा कोस थीटा। सोचोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ये मिटो दूँ, जो सिद्ध क्या क्या करना था, एक हमारे पास बचा सेक थीटा गुणा कोस थीटा, और यहाँ बराबर लगाया हुआ था, यहाँ बराबर यदि मैं एक लिख दूँ तो कारण पूछो आपसे, ये क्या कारण है कोई कारण, बिल्कुल क्या कारण था, साइन थीटा और कोशेक थीटा इन दोनों का गुणनफल एक था, याद हो तो कोस थीटा और इसका व्युत्क्रम था सेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल भी एक था, था क्या, अर्थात ये थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो कोस थीटा बराबर होता है एक बटा सेक थीटा, होता है क्या, बटे में एक लगा दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा किया तो क्या आया कोस थीटा और गुणा सेक थीटा, और बराबर क्या आ जाएगा एक, ठीक है, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर एक, यहाँ क्या मिला सेक थीटा गुणा कोस थीटा बराबर भी क्या होता है एक होता है, ये कारण यहाँ लिख दें, सेक थीटा गुणा कोस थीटा, उल्टा पुल्टा लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्मिनी में लागू होता है विगुणा में, और बराबर एक, यानी पदों को गुणा में यदि हम आगे पीछे लिख देंगे तो उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, आगे पीछे लिखने का समझ रहे हैं ना, एक्स वाई एक्स गुणा वाई को यदि एक्स वाई लिख दें या वाई एक्स लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म विनिमय लागू होता है, हो गया। तो यही सिद्ध करना था, और ये कौन सी साइड प्राप्त होगी, राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब मैं आपको दो तीन सवाल नहीं करवाऊंगा, सवाल नंबर चौथा करवा दिया, मैं इसमें काम आने वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ बेटा, वो लिख लें, क्योंकि एक आ गया था मुझे एक कम से कम 10 मिनट लगाने थे इन पे, गुणनखंड के सूत्र भी जैसे ये था, ये महत्वपूर्ण सूत्र याद रखने में आपको, जो कि त्रिकोण मिति इनके बिना है संभव है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रह जाए तो ठीक, न याद रह जाए तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा कर लेना, अर्थात ए प्लस बी को गुणा कर लिया ए प्लस बी से, और जो मिले वो इसका परिणाम मिलेगा, और वो मिलेगा क्या, याद है सबको याद है, ए स्क्वेयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वेयर मिलेगा, मिलेगा भाई। फिर दूसरा
पहला ये, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इसका अर्थ क्या है, ए माइनस बी को ए माइनस बी से गुणा कर लेंगे, जो यहाँ गुणा करने के बाद मिलेगा वो इसका परिणाम होगा। छोटी क्लास में आते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ माइनस है, बाकी ए प्लस का या ए स्क्वायर भी प्लस का और बी स्क्वायर भी प्लस का, कोई रिटने बात नहीं है। तीसरा, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर लें, उल्टा भी याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, उल्टा पढ़ रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी बराबर सॉरी ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा करके लिखना है, उल्टा दोनों याद रखने हैं, याद रट्टा नहीं मारना है। इसका अर्थ क्या था, ए प्लस बी को ए माइनस बी से यदि हम गुणा करेंगे, ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ घात तीन पर, चौथा सवाल, मैं घात तीन वाले करके बताऊंगा, ए की घात ए प्लस बी की घात तीन क्या आएगा, मैं हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, यदि रट्टे से पीछा छोड़ जाए आप लोगों का, इसका अर्थ क्या है, जैसे x की घात तीन है, इसका क्या अर्थ हुआ, x गुणा x गुणा x, घातांक नियम होते हैं, इसका भी क्या अर्थ है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, ये ठीक है, ठीक है क्या, यहाँ आधार a प्लस बी है, घात एक एक है, घात एक एक है, हो गया, इसको क्या लिख दूं, दोनों के आधार समान है, गुणा में घातांकें जुड़ जाती है, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी की घात दो, इसको और इसको लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं, और ये सेम रख लिया मैंने, a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला आपके पास है, ये सूत्र ये रहा, क्या लिख दूं, इसको हटा करके ये लिख दूं, इस पूरे को ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर और गुणा क्या ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर देता हूँ बारी बारी से, ठीक है, मैं पंक्ति गुणा कर देता हूँ, गुणा दो तरीके से किया जाता है, एक तो पंक्ति गुणा किया जाता है, एक स्तंभ गुणा किया, बारी बारी गुणा करवा दो बेटा मुझे, गुणा करवा दो, ए स्क्वायर को ए से गुणा किया ए की घात तीन, ए स्क्वायर को बी से गुणा किया ए स्क्वायर बी, हो गया स्क्वायर तो गुणा, अब दो ए बी को गुणा करना है, दो ए बी को केवल ए से गुणा किया तो ए एक यहाँ आ गई एक यहाँ आ गई, एक ही घात दो आ जाएगी, दो ए स्क्वायर बी प्लस गुणा हो गया, अब बी से गुणा करना है, बी से गुणा किया, बी यहाँ एक है एक यहाँ बी की घात दो हो जाएगी, दो ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है, फिर किसको किससे गुणा करना है, बी को इससे गुणा करना है तो प्लस ए बी स्क्वायर, क्रम से लिखेंगे अल्फाबेट्स, पहले ए आता है, इसको इससे गुणा किया ए बी स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया बी की घात तीन, बी की घात तीन ये लिख दिया, बी की घात तीन, यहाँ बी की घात दो है, यहाँ बी की घात एक होगी, बी गुणा कर दिया मैंने, ठीक है, अब क्या करें, एक ही घात तीन, जो पद जुड़ते हैं उनको जोड़ दो, समान घात के पद जुड़ते और घटते हैं, एक ही घात दो बी का साथी और है कोई, एक ही घात दो बी, एक ही घात दो बी, ये रहा, ये दोनों दोस्त हैं समान घात वाले हैं क्या, तो यहाँ प्लस का एक एक ही घात दो बी, यहाँ प्लस का दो एक ही घात दो बी है क्या, तो क्या बनेगा, तीन ए की घात दो बी प्लस, ऐसा ही यहां हो रहा है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये तो दो बार है ये एक बार है, दोनों प्लस के तीन बार हो जाएंगे, तीन ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात तीन, ठीक है, ये अमूमन ये ऐसे नहीं लिखा होता, अमूमन ये लिख लेते हैं लोग, तीन ए बी स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हैं, हालांकि ये लिख सकते हैं, ठीक है, फिर क्या करें, आप कॉमन ले लें तो भी लिख सकते हैं इसको, मैं सारे काम लिख दूं, इसका परिणाम क्या आया वो ये लिख रहा हूँ, ए की घात तीन प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर
प्लस बी की घात 3 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, या ये लो, इतने में काम चला लेंगे अपना। मैंने क्या किया, इनको पीछे लिख दिया और कॉमन ले लिया, पीछे का मतलब उस तरफ लिख दिया, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ठीक है, बड़ी घात वाले आगे लिख लिए, प्लस यहाँ 3 यहाँ 3, इन दोनों पदों अंडरलाइन किए दोनों पदों पे, ये बॉक्स में बंद कर दो, 3 कॉमन, यहाँ एक ही 2 है, यहाँ एक ही 1 है, सबसे छोटी घात कॉमन होती है, एक ए कॉमन, यहाँ बी की घात 2, एक बी कॉमन, यानी 3 ए बी कॉमन आ गया, आ गया, बचा क्या, 3 बार आ गया ख़त्म, एक ही घात 2, एक ही घात यहाँ 1 है, एक बार आ गया, एक बच गए। इसी प्रकार यहाँ 3 बार ए बार बी बार, बी की घात 2 थी, एक बी बार, ये भी हो सकता है, ये भी आप इसको ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ माइनस आए तो यहाँ क्या आए, माइनस, चौथा मैं सूत्र ये मिटो रहा हूँ, ये आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, माइनस पे आ रहा हूँ, माइनस वाला भी बना करके बताऊँगा, ए माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, तो चलते, क्या करूं, चलो देखो बेटे, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका अर्थ क्या है, ए माइनस बी हटा दूं प्लस, गुणा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी 3 बार, क्योंकि घात 3 थी, ये लो, ठीक है, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, जैसे एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वेयर होता है, उसी प्रकार ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है, ठीक है भाई, और यहाँ क्या लिख दूँ, एक बचेगा ए माइनस बी, अब इनको भी गुणा कर लेते हैं, जैसे पहले गुणा किया था इनको भी गुणा कर लेते हैं, कर लो, किसको, इसका होल स्क्वेयर यदि याद है तो हटा दें, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, सूत्र नंबर 2 क्या था, हटा रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, कोई दिक्कत, कोष्टक में ले लेता हूँ, हो गया इसका विस्तार, इसको सेम टू सेम रख दूँ, पंक्ति से गुणा कर दें, गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, फिर पूरे को इससे गुणा करना, फिर पूरे को इससे गुणा करना, ठीक है, फिर बी को, बी स्क्वेयर को इससे गुणा करना, और बी स्क्वेयर को इससे गुणा करना, कर दो, बड़ा आसान सा, मतलब याद ना रहे तब की बात है, ए को ए से, ए स्क्वेयर को ए से गुणा किया, ए की घात 3, कोई दिक्कत, ए स्क्वेयर को माइनस बी से, ये प्लस का था तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा ए स्क्वेयर बी, ये गुणा हो चुका है भाई, ये मिटो दो, हो गया, अब इसका गुणा करना है, ये सारा मिटो देता हूँ, ये लो, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा 2 का 2, ए को ए से गुणा करेंगे, ए स्क्वेयर हो जाएगा, बी अकेला है, बी वहाँ है ही नहीं, बी ये गुणा हो, ठीक है, ये भी गुणा हो चुका है, अब बी को उनसे करना है, ये मिटो दो सारे, बी को इससे इनसे गुणा करना है, प्लस को प्लस से गुणा किया, प्लस बी स्क्वेयर को ए से गुणा किया, ए बी स्क्वेयर, और प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस बी की घात 2 को बी की घात 1 से गुणा किया, बी की घात 3, क्रम वाइज लिख दो, पहले जोड़ घटाओ कर लो, समान घात के पद जुड़ते और घट जाते हैं, ए स्क्वेयर भी इसका साथी ये रहा, ये माइनस का, ये माइनस का, अब चिन्ह प्लस का नहीं होगा, याद रखिए, जब आप गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस होता है, ठीक है, जैसे माइनस 2 और माइनस 1 बराबर माइनस 3 होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार ये 1 है यहाँ, ये 2 है यहाँ, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ए स्क्वेयर बी, बीज गणित वैसे लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया जोड़, अब यहाँ ये देखिए ए बी स्क्वेयर वाला कहाँ गया भाई, एक ए बी स्क्वेयर और बच गया भाई, गुणा करने में गड़बड़ कर दी मैंने, क्या आता, चलो मैं परिणाम लिख दूं क्या, कहीं ना कहीं गुणा करने में आप लोगों ने ध्यान दिया, मैं गुणा कर दूं दोबारा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, फटाक से करवा दो भाई, गलती होगी कहीं, ये लो,
एक ही घात तीन, उसको उससे गुणा किया, उसको उससे गुणा किया माइनस ए स्क्वेयर बी, पूरे को गुणा किया माइनस दो ए स्क्वेयर बी, और माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस दो ए बी स्क्वेयर हो गया, ये भी गुणा। अब क्या करना, बी को इससे गुणा किया प्लस ए बी स्क्वेयर, बी को इससे गुणा किया माइनस बी की घात तीन। अब देखो एक पद ही छोड़ दिया हमने, गलती कर दी। चलो एक ही घात तीन, इसका एक साथी हो रहा है ये रहा माइनस तीन ए स्क्वेयर बी, और इसका एक साथी हो रहा है ये रहा, है ना, तो क्या प्लस तीन ए बी स्क्वेयर, प्लस तीन ए बी स्क्वेयर और प्लस माइनस बी की घात तीन। ठीक, अब कॉमन ले लो, ये लिख सकता हूँ इसके सिद्ध, एक ही घात तीन माइनस तीन ए स्क्वेयर बी और प्लस तीन ए बी स्क्वेयर और प्लस माइनस बी की घात तीन। या अब कॉमन लेकर के मैं लिख सकता हूँ, वो क्या लिख सकता हूँ, कॉमन ले लेते हैं, देखना बेटा कॉमन ले लो, एक ही घात तीन माइनस तीन ए स्क्वेयर बी, सॉरी तीन ए बी, ए यहाँ ए यहाँ बी यहाँ बी यहाँ, घात छोटी सबकी एक एक है, बाहर क्या ये आ गया कॉमन, यहाँ बच गया ए, और बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर क्या बच गया बी और माइनस बी की घात तीन। तो ये भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख दो, या इसको मैं ये लिख दूँ ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन माइनस तीन ए बी गुणा ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। अब घात तीन वाले दो फार्मूले और बच गए भाई, ये तो होल घात थी, एक बच गई ए की तीन प्लस बी की तीन और ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन। बहुत इंपॉर्टेंट, इन पे आधारित चार पांच सवाल है। अब इसका अर्थ ये किसको गुणा करें कि ये मिले, किसको किससे गुणा करें, तो ये होगा ए प्लस बी, याद रख लेना भाई, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ माइनस आ जाएगा, गुणा करके देख लेंगे। ये हो तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वेयर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, इनको चेक कर लेता हूँ भाई, कई बार भूल हो जाती है। और ये आपकी जो सर्व समीकरण हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि ये सर्व समीकरण आपको याद होंगी तो सवालों को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अभ्यास करते रहोगे तो ये सारे सवाल धीरे धीरे कोशिश करने के बाद आपको आ जाएंगे। और ये सर्व समीका थी हमारी, गुणनखंड की जो सर्व समीका थी लास्ट और सेकंड लास्ट, ये दोनों देखनी है भाई, एक ही घात छः वाली, छः वाली देखनी है ना, छः के ऊपर हम तीन भी कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। चलो ये दोनों मिलान कर लेना लास्ट वाले, हाँ भाई माफ़ी चाहता हूँ, इनको गुणा कर लेना, मेरी मेमोरी फुल हो रही है, इन सबको गुणा कर लेना, अगर कोई भूल हो तो मैं कल बता दूँगा, आए कैसे ये भी बता दूँगा। और धन्यवाद।